तो अभी हम इस स्विच को चेक करते हैं ये सही में काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने स्विच को ऑन कर दिया, लाइट भी जल गया और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं हम इसे टच कर रहे हैं और यहाँ पे इसको हमने टेस्टर से भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं आ रहा है। तो जब हम गीले हाथों से स्विच बोर्ड को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं उस वक्त हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांसेस रहता है। कभी कभी तो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लग भी जाता है। ऐसा हमको बाथरूम में जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड रहता है उसमें देखने के लिए मिलता है। हमारा घर के बाहर में मतलब आउटडोर में जो बोर्ड लगा हुआ रहता है उसमें भी कभी कभी बारिश के टाइम पे ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो आज हम एक ऐसा स्विच बोर्ड कनेक्शन आपको दिखाएंगे जिसमें अगर आपका हाथ भीगा रहेगा या इलेक्ट्रिकल बोर्ड पूरा पानी से भीग जाएगा तो भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है असित और आप देख रहे हैं जीत इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है शॉक प्रूफ स्विच बोर्ड कनेक्शन। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो कैसे लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार का जो शॉक प्रूफ स्विच बोर्ड का कनेक्शन होता है उस कनेक्शन के करने के लिए हमको जो जो कंपोनेंट का ज़रूरत होगा, एक एंगल होल्डर को यूज करेंगे और एक जो नॉर्मल स्विच होता है बोर्ड में जो यूज होता है उस प्रकार का एक स्विच को भी यूज करेंगे, और एक हमको चाहिए 9 वोल्ट का बैटरी और एक 12 वोल्ट का रिले। जो इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में आपको बहुत आसानी से रिले मिल जाएगा, डीसी 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है ये रिले, ठीक है। लोड के लिए हमने एक यहाँ पे लाइट का यूज़ कर रहे हैं जो कि 9 वोल्ट है, इसको हमने लोड के लिए यूज करेंगे। तो चलिए अभी इसका कनेक्शन डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका जो कनेक्शन डायग्राम होगा ये कुछ इस प्रकार होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका कनेक्शन डायग्राम यहाँ पे हमने क्या किया, 220 वोल्ट जो एसी सप्लाई है उसको हमने यहाँ पे एक लाइन को हमने लाइट जो हमारा होगा जो लैम्प होगा उसके साथ कनेक्शन कर लिया डायरेक्ट एक न्यूट्रल को, और उसका जो फेस सप्लाई है फेस सप्लाई को हमने रिले में कनेक्शन किया। रिले का जो कॉमन पॉइंट होता है बीच में उसमें कनेक्ट किया, और उसका जो एनो पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं एनो पॉइंट से आउटपुट को लेके लैम्प का जो दूसरा न्यूट्रल कनेक्शन है उसमें कनेक्शन कर दिया। और हमारा जो रिले है उसका जो कॉयल होता है, रिले का जो कॉयल होता है, रिले जो स्टार्ट होता है उसका दो पॉइंट में हमने डीसी जो 9 वोल्ट का बैटरी सप्लाई है उसे कनेक्ट कर दिया। तो उसी में हमने ये जो हमारा स्विच बोर्ड का जो स्विच होता है उसे कनेक्शन कर दिया हमारा 9 वोल्ट का बैटरी के सप्लाई में। यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी यूज हो रहा है 12 वोल्ट का रिले को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे एक दिक्कत क्या आएगा, ये बैटरी बार बार चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अगर आप इसके जगह पे 5 वोल्ट का जो रिले होता है उसे आप यूज करेंगे तो आप मोबाइल का जो चार्जर होता है 5 वोल्ट का चार्जर उससे भी इस रिले को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको बार बार बैटरी को बदलना नहीं पड़ेगा, एक बार इसे सेटअप को कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए अभी हम कनेक्शन करके दिखा देते हैं। Thank you.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कनेक्शन है वो पूरा हो चुका है। हमने एक एंगल होल्डर को कनेक्शन कर लिया और इसका कनेक्शन हमने एक कनेक्शन को डायरेक्ट ले लिया और एक को हमने रिले का जो एनो पॉइंट है उसमें कनेक्शन कर दिया और एक 9 वोल्ट का जो बैटरी क्लैंप होता है उसे कनेक्ट कर लिया। इससे हमने बैटरी का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है। अभी ये जो शॉक प्रूफ स्विच कनेक्शन है ये सही में काम कर रहे हैं कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम इसे एसी में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको बोर्ड में कनेक्शन कर दिया और इसका स्विच को भी ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो स्विच का ऑन कर दिया। हमारा ये जो स्विच है ये हमारा यहाँ से ऑपरेट होगा, ये लाइट यहाँ पे हमने स्विच को ऑन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो लोड है वो चालू हो गया। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे एसी सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम टेस्टर से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे कोई भी एसी सप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाथों से छू भी सकते हैं, यहाँ पे कोई भी शॉक नहीं लगेगा। अब हम आपको इसको पानी में डाल के आपको दिखा देते हैं। ये जो स्विच है इसे हम पानी में अभी डालते हैं। तो देख सकते हैं इसे हमने पूरा पानी में डाल दिया और यहाँ पे हम इसे टच कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक आपको नहीं लगेगा। अगर आपका बोर्ड को पानी में भीग जाता है पूरा तो भी आपको इसमें शॉक लगने का कोई भी चांस नहीं रहेगा।